नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। एक डॉग देखने आए हैं, जर्मन शेफर्ड है। पीछे के हिस्से से पैरालाइज हो गया है और ये प्रोग्रेसिव पैरालिसिस है। आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहले शुरुआत हुआ था हल्का लंगड़ाने से, धीरे धीरे अब देख रहे हैं जैसे कि स्थिति पिछला पैर एकदम काम करना बंद कर दिया है और अगले पैर से खड़े होने की कोशिश करता है कुत्ता, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा है और बहुत ही कठिन परिस्थिति हो गई है। इस तरह की समस्या आ जाती है तो पैरालिसिस के इस केस में ये होने का कारण कभी कभी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाता है या मेनिंजाइटिस हो जाए या इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। प्रोन होते हैं जर्मन शेफर्ड, अक्सर इस तरह के पैरालिसिस अक्सर इन लोगों में हो जाता है। तो इस तरह के केसेस जब भी होते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन और साथ में एक स्टेरॉइड, कोशिश करें एपिड्यूरल भी दे सकते हैं बट आईवी और इसके साथ ड्रिप के साथ आईवी चढ़ा दें और ये रेगुलर इंजेक्शन चलता रहेगा। साथ में सपोर्ट में एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर और ड्रिप है, कैल्शियम है, फास्फोरस का इंजेक्शन है, सप्लीमेंटेशन में चलता रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन, ट्राइविवेट है, न्यूरोकाइंड है, न्यूराक्सिन है, कोई सा भी एक इंजेक्शन रेगुलर चलेगा। कम से कम इस तरह के केसेस ठीक होने में 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमें पशुपालक भाइयों इसको ध्यान रखना पड़ता है। आप कुत्ता पालें तो उसको आपका मैनेज करना पड़ेगा, काफ़ी लंबे समय तक मैनेज करना पड़ता है। साफ़ सफाई है, टॉपिकल फॉर्मेशन है और उसके साथ होम्योपैथिक प्रिपरेशन भी देना पड़ता है।